सो गाइस फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कार्य तीव्र गति से हो रहा है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 5 राज्य से होकर गुजर रहा है, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र भी शामिल है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1305 किलोमीटर का है। एक्सप्रेसवे को कम्प्लीट करने की कुल लागत 90,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1000 किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है बनाने के लिए, जो कि अभी 305 किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं दिया गया है, जो कि इसके कार्य को चालू कर दिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली से दौसा सेक्शन जयपुर को जोड़ेगा और जौनपुर एक्सप्रेसवे का हिस्सा, जो कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का है। तो यहाँ पर आप लोग दोनों तरफ देखेंगे डिवाइडर, व्हाइट पट्टी, येलो पट्टी कार्य थोड़ा बहुत हो चुका है, जो कि फिनिशिंग का है, वो भी कार्य चल रहा है, पूरे तरीके से नहीं हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जाने में 24 घंटे लगता था पहले, अब लेकिन 12 घंटे का सफ़र होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के माध्यम से। अगर आप लोग जाते हैं दिल्ली से मुंबई तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, जो कि 12 घंटे का फ़ायदा होगा। इससे एक्सप्रेसवे बनने के बाद जो कि फ्यूल का भी काफ़ी ज़्यादा बचत होगा, 32 करोड़ फ्यूल की बचत होगी सालीना, और इसकी जगह से करीब 85 करोड़ किलोमीटर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उत्सर्जन घटाएगा, जो 4 करोड़ पेड़ पौधे के बराबर हैं। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें एनिमल ओवरपास बनेगी, ताकि जानवरों को जंगल में सड़क पार करने में कोई दिक्कत ना हो, जिससे अंडरपास 3 दिया रहेगा और ओवरपास है। यह एक्सप्रेसवे 5 लाख टन से अधिक स्टील लगेगा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तैयार होने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ्यूल का और काफ़ी ज़्यादा ईंधन का बचत होगा, जिससे प्रदूषण भी कम होगा, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 4 व्हीलर से अगर सफ़र करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो इससे हमें 12 घंटे का सफ़र होगा और काफ़ी ज़्यादा बचत भी होगा, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसे टोल टैक्स देने में अगर कोई दिक्कत, तो जितना हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक्सप्रेसवे का उतना ही हमें टोल टैक्स देना होगा, जो कि काम में तेज़ी लाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को तैयार करने में, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा तेज कार, और यहाँ पर डबल मशीन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे को तैयार करने में ज़्यादा वक्त नहीं, 2023 तक कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है, जो कि बनकर तैयार हो जाएगा। और एक्सप्रेसवे जापान में